साथियों, ईवीएम मशीन के द्वारा 200% घोटाला होता है और ये 200 अभी तेलंगाना में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लोगों ने जितने वोट डाले उससे ज्यादा वोट 38 चुनाव क्षेत्रों में निकले, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कौन से विधानसभा में कितने वोट निकले? 38 विधानसभा में ज्यादा वोट निकले। नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे, उसके रिजल्ट में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। मान लो 10 लाख वोट हुए, 11,87,000 निकले। इतने स्पीड से तो साली मुर्गी भी अंडा नहीं देती है जितने स्पीड से मशीन वोट देती है। 1,87,000 वोट ज्यादा निकले 2014 में। और मध्य प्रदेश में 204 विधानसभा में ज्यादा वोट निकले, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मैं सबमिट कर रहा हूं। अगर ज्यादा वोट निकले ईवीएम मशीन में तो ये तो अपने आप में सबूत है कि ईवीएम घोटाला करता है। इसलिए साथियों, अभी मैं जो केस हमने डाला है, अगर पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है अगर उसकी गिनती होती है तो ईवीएम के अंदर होने वाला जो भी घोटाला है वो कागज में पकड़ा जाएगा। अगर कागज में पकड़ा जाएगा तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर न्याय हमें नहीं मिला तो हमारे पास दो विकल्प है। एक विकल्प है आने वाले 19 के चुनाव में जो ईवीएम मशीन घोटाला करती है सारे देश भर में ईवीएम मशीन को तोड़ा जाए, एक विकल्प हमारे पास है। अभी मैं जो तालियां बजाने वाले लोग हैं उनको अनुरोध करता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक नहीं तोड़ने का, मैं कहूंगा तब तोड़ने का, क्योंकि हमारे लोगों का टाइम वाइम ठीक नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो जैसा आदमी बगैर सोचे समझे उल्टी कर देता है वैसे ही तोड़ने का काम नहीं करने का। मैं आदेश दूंगा तो तोड़ने का काम करेंगे, तब फायदा होगा, कुछ भी करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अभी मैंने संवैधानिक तरीके का उपयोग किया है और संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया घोटाला होता है, ये मेरे सबूत है। इस सबूत का कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है तो मेरे फेवर में जजमेंट दे करके जो मैनुअल काउंटिंग का ऑर्डर आपने 8 तारीख को दिया, 8 अक्टूबर 2013 को, उसे लागू करो। आपका ही फैसला है, हमारा फैसला तो है नहीं। आपने फैसला दिया, आपने अपना ही फैसला लागू करो। आपका फैसला चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा है, आप लागू करवाओ। अगर आप अपने ही फैसले नहीं लागू करवाते हैं तो ये फैसले काहे को देते हैं? कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला थोड़ी है। मैजिस्ट्रेट का कोर्ट का फैसला अगर नहीं मानो तो समझ में आता है सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, संवैधानिक कोर्ट है। अगर उसका फैसला देश पर भी नहीं माना जाए तो देश में अराजकता फैल जाएगी, लोगों को न्याय मिल नहीं लेगा और न्याय लागू नहीं होगा तो लोग हाथ में हथियार उठाएंगे। इसके लिए जिम्मेदार भविष्य में लोग बोलेंगे न्यायपालिका है, ये जानना होगा, ये समझना होगा। इसलिए साथियों, आने वाले समय में इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो बचाने के लिए हम लोगों को ये लड़ाई लड़ना है। 5 तारीख को भारत बंद आप लोगों ने सफलतापूर्वक करने में साथ दिया। 10 तारीख को अभी दिल्ली में बड़ी मीटिंग है, इस मीटिंग में और बड़ा फैसला होगा। अभी आने वाले 10 तारीख को, अभी तो ये 5 तारीख को हुआ, अभी 10 तारीख को उससे बड़ा फैसला होगा और बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाली लड़ाई में अपने आप को आप तैयार रखिए। आपको जैसे आदेश दिया जाएगा आप उस आदेश पर अमल करने के लिए तैयार रहिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।